उनके संकीतियों में आ सकता है, उनके संकीतियों में आ सकता है। तो वो हम जानते हैं किसकी वजह से, मेंडल के दिए हुए वंशागतियों के नियमों से। तो ये सारी बातें थी जिनमें आपको जानना था कि उनके क्या लक्षण लिए, सात लक्षण कौन कौन से थे, प्रयोग करने के मुख्य कारण क्या थे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मटर के प्रयोग को चयन करने का मुख्य कारण क्या था। ठीक, तो ये सारी बातें याद तो रखिए, फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि एक जीन का संकरण कैसे कराया, फिर इनमें कौन कौन से नियम थे, मेंडल के तीन नियम, प्रभावता का नियम, ठीक है, अप्रभावता का नियम, ऐसे सारे नियम आपको पढ़ने होंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इतना नोट्स कर लीजिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का अध्याय 5, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है वंशागतिकता विविधता के सिद्धांत के बारे में। तो इस चैप्टर में देखना होगा कि इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से चीजों को जानना होगा। तो इस वीडियो में जानेंगे कि इनमें क्या क्या हम शब्दावलियों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला शब्दावली हमारा आया कौन सा, वंशागति। ठीक, इसको हम अनुवांशिकता भी बोलते हैं। तो अनुवांशिकता या वंशागति हम किसे बोलते हैं, जिसे हम हेरिडिटी या इनहेरिटेंसी बोलेंगे। तो जीवधारियों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, ठीक है, जीवधारियों के एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों का संचरण जो होता है मुख्य रूप से अनुवांशिक या वंशागति कहलाता है। तो वैसे लक्षण अब हम बात करेंगे कि अनुवांशिक लक्षण किसे बोलेंगे। तो वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो, संचरण होता हो, उसे हम बोलेंगे अनुवांशिक लक्षण। तो दोनों टॉपिक जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अनुवांशिक लक्षण किसे बोलेंगे, तो वो लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित हो, ठीक है, और अनुवांशिकता वंशागति किसे बोलेंगे, तो जीवधारियों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो विभिन्न लक्षण संचरित होते हो उन्हें हम बोलेंगे अनुवांशिकता या वंशागति। अब हम बात करेंगे कि वो लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं। तो वो लक्षण हो सकते हैं आंखों के रंग, आंखों के बनावट, बालों के रंग, बालों के बनावट, शरीर के रंग, शरीर के बनावट। जैसे शरीर का रंग हो सकता है किसी का काला, किसी का गोरा, ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, अनुवांशिक लक्षण होंगे जो हमें आमतौर पर दिखते हैं। फिर अब इनमें अगला पॉइंट आता है क्या, विविधता किसे बोलते हैं। तो विविधता मुख्य रूप से अनुवांशिक लक्षणों द्वारा जो जनक से संततियों में जाती है, और वो लक्षण हमें या मुख्य रूप से उनमें कुछ ना कुछ लक्षण विभिन्न दिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विविधता। और ये मुख्य रूप से लैंगिक प्रजनन में ही होता है। किसमें होता है, लैंगिक प्रजनन में होता है, और ये कभी भी अलैंगिक प्रजनन में नहीं दिखता है। ऐसे हम समझना चाहेंगे कि आप विविधता की हम बात करें तो कभी भी एकांडजी या संरूप जुड़वा में ये कभी भी विविधता देखने को नहीं मिलेंगी। कब मिलेंगी, जो अलग अलग दो दंपति हों और दोनों में, दोनों के युग्मक के मिलने से जो युग्मरज बनेगा वो मुख्य रूप से उनसे जनक और संततियों में कुछ न कुछ विभिन्नताएं दिखाएगा, इसको हम बोलेंगे विभिन्नता या विविधता बोलेंगे। अब बात आती है कि विभिन्नताएं कितने प्रकार के होते हैं। तो विभिन्नताएं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला होगा अनुवांशिक विभिन्नताएं, दूसरा होगा वातावरणीय विभिन्नताएं। अनुवांशिक विभिन्नताएं किसे बोलेंगे, तो अनुवांशिक विभिन्नताएं वो विभिन्नताएं होंगी जो लैंगिक जनन के समय होने वाले पुनर्योजन के दौरान उनमें मुख्य रूप से उत्पन्न होंगी या दिखेंगी, उसको हम बोलेंगे अनुवांशिक विभिन्नता। जैसे हम एग्जाम्पल देकर समझना चाहेंगे, अगर मान लेते हैं ये मादा है और ये नर है, तो मादा के पास पूरे 44 क्रोमोसोम प्लस XX क्रोमोसोम होगा, नर के पास 44 प्लस XY क्रोमोसोम होगा। इनसे निकलेगा क्या, मादा युग्मक, और नर से क्या निकलेगा, नर युग्मक। मादा युग्मक में पूरे क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, तो पूरे क्रोमोसोम की संख्या होगी 22 प्लस XX, और नर में होगी 22 प्लस XY।
और इन दोनों के संलयन से बनेगा युग्मन अक्षर और इसमें पूर्व क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी 46। ठीक, अब बात आती है कि नर और मादा में दो अलग अलग जीवधारी दो अलग अलग दंपति हैं तो इनमें डीएनए भी अलग अलग होंगे, दोनों में डीएनए अलग अलग होंगे और डीएनए पूरे अनुवांशिकता या इस इकाई में पूरे डीएनए का ही खेल होगा, पूरे डीएनए का ही इसमें सारा जानकारी होगी कि कैसे वो कौन सा कारक है जो एक वंश से दूसरे वंश में किसी भी गुण दोष या विकार को ढूंढने का काम करता है, तो वो है डीएनए। तो दोनों के अलग डीएनए हैं और दोनों के अलग डीएनए से मिलने से एक नया डीएनए उत्पन्न होगा जो इनके दोनों गुणों को कुछ न कुछ इनमें मिलेगी गुण और कुछ इनमें विभिन्नताएं होंगी। ठीक, अब बात आती है कि यहां पर जो डीएनए है, डीएनए पाया जाता है क्रोमोसोम के ऊपर, डीएनए पाया जाता है क्रोमोसोम के ऊपर और इसी डीएनए को हम बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल। और इस डीएनए के ऊपर छोटा सा खंड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं जीन, इसको हम बोलते हैं अनुवांशिक इकाई। ठीक, इसको हम बोलेंगे जेनेटिक यूनिट। ये दो पॉइंट ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, कि क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, डीएनए। डीएनए का काम क्या है कि जनक और जनक में दो होंगे मादा और नर, दोनों में कौन सा गुण ले जाना है जो हमें संतति में दिखे। वह गुण हो सकते हैं आंखों के रंग बनावट, बालों के रंग बनावट, शरीर के रंग आकार, इन सबके बारे में ये डीएनए ही कार्य करता है ले जाने का। इसलिए इस डीएनए को हम बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ, मगर इसके अंदर वो कार्य करने का संपन्न कौन करता है, जीन। इसलिए इस जीन को बोलते हैं अनुवांशिक इकाई, कि वो सारा कार्य इस जीन का ही है, जीन ही वो कार्य करता है, डीएनए काम करता है उस पदार्थ को ढोने का और उसको संपन्न करवाता है जीन, इसलिए जीन को हम बोलते हैं अनुवांशिक इकाई। अब बात आती है कि विभिन्नताएं हमारे पास दो प्रकार की हो गई, तो पहला हमारे पास अनुवांशिक विभिन्नता जो हमने यहां देखी, ठीक है, जो हमने यहां देखा कि यहां से कोई एक चीज को हम ले लेते हैं, अगर माने कि नर के अंदर, ठीक है, अगर कोई रंग की बात करें, आंखों की रंग की बात करें, तो मादा का अगर काला और नर का भूरा है तो दोनों में जिस गुण के ज्यादा प्रभावी लक्षण पाए जाएंगे वह युग्मरज में दिखेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है वातावरणीय विभिन्नता, तो वातावरणीय विभिन्नताएं मुख्य रूप से वैसी विभिन्नताएं होंगी जो वातावरण कारकों द्वारा हमारी विभिन्नताओं को दिखलाएंगी या प्रभावित कराएंगी। तो इनमें कुछ कारक होते हैं, वो कौन कौन से कारक होते हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। वो कारक होते हैं पोषण, दूसरा होगा तापमान, तीसरा जलवायु और चौथा होगा शरीर के अंग का प्रयोग या अनुप्रयोग। ये सब कारक हैं जो वातावरण विभिन्नताओं को दर्शाते हैं। पोषण की बात करें तो दो ऐसे जीवधारी जो अलग अलग ग्रहों पर रहते हो और वहां किसी एक जीवधारी के पास पोषण की कुछ कमियां हो और किसी दूसरे जीवधारी के पास पोषण की उपलब्धता हो, तो दोनों के जीवन यापन में, शरीर के बनावट में या किसी चीज में विभिन्नताएं देखने को मिल सकती है। दूसरा तापमान, तो तापमान भी किसी न किसी जीवधारियों को प्रभावित करता है, ठीक है। जलवायु है, वो भी प्रभावित करता है किसी जीवधारियों को। मनुष्य ऐसा जीवधारी है जो हर किसी तापमान और जलवायु के हिसाब से डर जाता है। इसके अलावा जो छोटे मोटे जीवधारियां होते हैं
जैसे कोई पशु हो गए, ठीक है, उससे बड़े जानवर होते हैं, वो सब जलवायु तापमान के कारण कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। अगला आपका शरीर के अंग का प्रयोग या अनुप्रयोग। तो शरीर के अंग का प्रयोग या अनुप्रयोग मुख्य रूप से मान लीजिए दो का दो ऐसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे एक खिलाड़ी हो और एक पहलवान हो, तो दोनों के शरीर का जो कार्य करने की क्षमता है उसके हिसाब से शरीर को अपने उपयोग में लाते हैं। पहलवान को कुश्ती करना होगा, खिलाड़ी को खेलना होगा, तो उसके हिसाब से अपने शरीर का कौन सा अंग सबसे खास प्रयोग में लाना है, ठीक है, उसके हिसाब से अपने शरीर के अंगों को बनाते हैं जिससे प्रभाविता दिखती है। तो ये सब है वातावरणीय विभिन्नता। ये सब सारे पॉइंट आपको मुख्य रूप से बेसिक नॉलेज के रूप में 10th क्लास में मिले होंगे सारे चीज, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 7 10th क्लास के चैप्टर नंबर 7 में आपको मिला होगा, जहां आनुवंशिकता और जैव विकास में आप थोड़ी बहुत जाने जानकारी बेसिक रूप में जानते होंगे, और यहां 12th की उस चीज को विस्तार से पढ़ना होगा। और इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक आपका है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी किसे बोलते हैं, तो आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण के विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी हम कह सकते हैं, या हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वंशागति और विभिन्नता के कारण जो मुख्य रूप से समरूप अध्ययन हम करते हैं उस हमको बोलते हैं आनुवंशिकी। ठीक, वंशागति और विविधता का समरूप अध्ययन जिसके अंतर्गत हम करते हैं उसे हम बोलते हैं आनुवंशिकी। ठीक, आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, डब्ल्यू वेटसन ने 1906 में, और डब्ल्यू वेटसन को हम बोलते हैं आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इसके बाद पॉइंट से पूछेगा कि इनको आधुनिक आनुवंशिकी के जनक बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आनुवंशिकी के जनक किसे बोलते हैं, तो वो है ग्रेगर जॉन्स मेंडल। तो ये हमारा आज पहला जो वीडियो इसमें था, आपको परिचय था कि कौन कौन से शब्दावली हैं जिनके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शब्दावली बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जिनको जानना बहुत जरूरी होता है कि इस चैप्टर के अंदर जैसे आगे चलेंगे, क्योंकि इसके बाद अगले टॉपिक में जब जाएंगे एनसीईआरटी के अगले टॉपिक में, तो एनसीईआरटी का अगला टॉपिक आपको मिलेगा मेंडल का, जिसमें आपको जानना होगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस प्रजाति को लिया, ठीक है, पौधे की किस प्रजाति को लिया, उनमें क्या विभिन्नताएं थी, लेने के कारण क्या थे, जो जान पूछे जाते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के ही पौधे क्यों लिए, तो उस प्रयोग मतलब उसके लेने के कारण भी आपको बताने होंगे, ठीक है, कौन कौन सी विभिन्नताएं थी, वो सारी चीजें। तो यहां से इस चैप्टर में, ठीक है, ये आपकी बेसिक चीजें हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है कि विविधता या वंशागति किसे बोलते हैं, आनुवंशिकी किसे कहते हैं, ठीक है, विविधता होने के कारण क्यों होते हैं, ये सारी बातें। तो एक बार हम फिर लास्ट रिपीट करते हैं, आनुवंशिकता वंशागति, आनुवंशिकता वंशागति हम उसे बोलते हैं कि जीवधारियों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों के संचरण को हम आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं, और आनुवंशिक लक्षण उसे बोलेंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित हो। ठीक है, अभी मैंने पढ़ा कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में विभिन्न लक्षण संचारित हो रहे हैं, तो आनुवंशिक लक्षण किसे बोलेंगे, तो वो लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित हो। अब कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, हो सकते हैं आंखों के रंग हो, आंखों के बनावट हो सकते हो, ठीक है, शरीर का रंग हो, शरीर का बनावट हो सकता हो, बाल का रंग हो, बाल का बनावट हो सकता हो, तो ये सब लक्षण जो आनुवंशिक लक्षण को आमतौर पर देखने को मिल सकते हैं, नाक की बनावट हो सकती है, कान की बनावट हो सकती है, ये सब आनुवंशिक लक्षण है। अब बात आती है कि विभिन्नता विविधता किसे बोलते हैं, तो विभिन्नता विविधता की हम बात करेंगे तो विभिन्नता विविधता हमेशा वैसे जीवधारियों में देखने को मिलती है जो अलग अलग हो, मतलब ऐसे जो लैंगिक प्रजनन करने वाले हो उनमें विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी, कभी भी विभिन्नताएं अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में नहीं मिल सकती, या वैसे जीवों में जो एक अंड जीव हो या समरूप जुड़वा हो उनमें कभी भी विभिन्नताएं देखने को नहीं मिल सकती। कहां मिलेंगी, तो हमेशा लैंगिक जनन करने वाले जीवों में विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। ठीक, ये विभिन्नताएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होंगी, कौन कौन सी, आनुवंशिक विभिन्नताएं और वातावरणीय विभिन्नताएं। आनुवंशिक विभिन्नताएं किसे बोलेंगे, तो वैसे विभिन्नताएं हैं जो लैंगिक जनन के द्वारा या लैंगिक जनन के समय होने वाले पुनर्योजन द्वारा उत्पन्न होगी। जहां अभी आपने समझा कि एक नर और एक मादा, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक निकला, दोनों के संलयन से युग्मनज बना, वही युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है, तो दोनों के डीएनए से जो गुण प्रभावी रूप से होकर उनके युग्मनज द्वारा कहां आया होगा,
युग्मक द्वारा कहा आया होगा युग्मनज में, तो वह गुण वह लक्षण अनुवांशिक विभिन्नताओं को दिखलाए। जैसे मानते हैं कि कुछ गुण हो सकता है कि माता पिता से मिल गया और कुछ गुण उन दोनों से भिन्न होंगे। या तो हो सकता है आंख का रंग भिन्न होगा, बालों का रंग भिन्न होगा, कान की बनावट, नाक की बनावट, शरीर का आकार, ये सब भिन्नता वहां पर दिखलाए। दूसरा वातावरणीय विभिन्नता, तो वातावरण विभिन्नता है वातावरण कारकों द्वारा प्रभावित होती है और उन्मुख रूप से दिखती है। तो कौन कौन से कारक थे? पोषण, तापमान, जलवायु, शरीर के अंग का प्रयोग और अनुप्रयोग, जिसको हमने जाना कि कैसे ये प्रभावित करते हैं। और इस लास्ट टॉपिक था अनुवांशिकी। अनुवांशिकी किसे बोलते हैं? तो अनुवांशिकी मुख्य रूप से वंशागति और विविधताओं के संरूप अध्ययन को ही हम अनुवांशिकी के अंतर्गत जानते हैं। ठीक, अनुवांशिकी का शब्द या अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डब्ल्यू बेटसन ने 1906। और इस डब्ल्यू बेटसन के खोज के द्वारा हम इनको जानते हैं आधुनिक अनुवांशिकी के जनक, जो आगे हम जानेंगे इन्होंने जेनेटिक या अनुवांशिकी में अपने क्या योगदान दिए। मगर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अनुवांशिकी का जनक कौन है, तो है ग्रेगर जॉन्स मेंडल, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आधुनिक पूछेगा तो आपको डब्ल्यू बेटसन करना होगा, और अगर पूछेगा अनुवांशिकी का जनक तो ग्रेगर जॉन्स मेंडल। तो ये थी आपके मुख्य रूप से परिचय के बारे में कि इस टॉपिक में कौन कौन से बेसिक शब्दावलियां हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी हैं। ठीक, तो इन सारी चीजों को आपको अपने नोट्स में डालने हैं और पूरे चीज को याद करने हैं। थैंक यू।